सबसे अच्छा ACL डॉक्टर कौन है? सबसे अच्छा ACL रिकंस्ट्रक्शन करने वाला या सबसे अच्छा ACL सर्जरी में रिजल्ट देने वाला डॉक्टर कौन है? इसका जवाब अगर हमको चाहिए तो हमको तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या है, उसकी ट्रेनिंग कैसी है, उसने कितने सर्जरीज असिस्ट कराया है या खुद करे हुए हैं। दूसरी चीज़, उसको ऑपरेशन से पहले आपके क्या क्या चीज़ों को ध्यान रख रहा है, जैसे वो टेस्टिंग कैसे कर रहा है आपके लिगामेंट की, आपके लिगामेंट में कितनी लचक है, क्लिनिकली और रेडियोलॉजिकली वो कितना अच्छे से कोरिलेट कर पा रहा है और कितना अच्छे से आपको समझा पा रहा है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपको कितना सही ट्रीटमेंट या कैसे इसका आगे ट्रीटमेंट होगा, उसकी जानकारी सही सही दे दे, चीज़ों के बारे में सही से आपको बता दे कि भाई क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है ट्रीटमेंट का। सर्जरी के में जो ऑपरेशन कर रहा है उस टाइम पे उसके एक्सपीरियंस लेवल या टेक्निक जो कर रहा है वो टेक्निक कितनी बेहतर है, कि जो आपका लिगामेंट है वो कितना बढ़िया जगह पे लगा रहा है, जितना आइसोमेट्रिक पॉइंट पे लगना चाहिए वो कितना बढ़िया जगह से लगा रहा है। अब सबसे पहली बात होगी एक्सपीरियंस लेवल। अब एक्सपीरियंस लेवल जो डॉक्टर कर रहा है उसने जिस सेंटर में काम किया हो, है ना, उस सेंटर में कितने ऑपरेशन से आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज होती थी। जैसे हमारी बात करें तो हमारा जो ट्रेनिंग हुआ है वो गंगा हॉस्पिटल, जैसे पूरे इंडिया में वो थर्ड नंबर या पहले नंबर पे आता है प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे हर साल की 1200 या 1500 आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी होती है, उसमें 500 से 600 ACL सर्जरीज होती है। फिर सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल हो जाता है, सिंगापुर जनरल जो होता है वो पूरे वर्ल्ड का थर्ड नंबर हॉस्पिटल है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज होती है और पूरे एशिया के लोग आते हैं, जैसे कि मतलब चाइना से, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, बहुत सारे लोग और बड़े बड़े जो प्लेयर्स है वो सिंगापुर जनरल में जाके ऑपरेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारी बकायदा बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग हुई है। तो एक पार्ट हो गया कि ट्रेनिंग लेवल आपका है। ट्रेनिंग से क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है सर्जरी करते वक्त वो कितना बढ़िया होता है, आपके ऑपरेशन के टाइम पे आप कोई चीज़ में फंस जाते हो, कि कोई भी सर्जन कभी भी हमेशा बिल्कुल ठीक ऑपरेशन करता है या कभी भी उसके कोई कॉम्प्लिकेशन होती नहीं होती है, ऐसा होगा नहीं, बट वो कॉम्प्लिकेशन से वो कैसे बाहर निकल सकता है वो आपके ट्रेनिंग से डिपेंड करता है, कि आपने कितने ज़्यादा आपने ऑपरेशन कराए हुए हैं उसके ऊपर आपके ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई है और जो आपके साथ में जो सीनियर सर्जन था वो कितनी बार फंसा था और उस फंसने की वजह से वो कैसे निकला बाहर। तो वो जो टेक्निक होती है वो एक एक करके जब हम दूसरे सर्जन से सीखते हैं तब वो हमारे अंदर भी आ जाती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेनिंग पार्ट, कि आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी थी और कितने ज़्यादा आपने ऑपरेशन असिस्ट कराया है या आपने कितना अच्छा आपने ऑपरेशन कराया हुआ है ना। दूसरी बात होती है समझाने की बात। हमारा जो डॉक्टर्स का प्रोफेशन होता है वो एम्पैथी पे डिपेंड करता है और ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। ट्रस्ट कितना होता है डॉक्टर्स का अपने पेशेंट्स के ऊपर, उसी पे आपका ट्रीटमेंट लेने का जो काम होता है वो डिपेंड करता है। अगर आपका डॉक्टर आपसे ट्रस्टवर्दी है तभी आप ऑपरेशन कराओगे, बिकॉज ऑपरेशन इज़ समथिंग अ मेजर डिसीजन। कभी भी आप ऐसे हाथों हाथ तो नहीं लोगे कि हम ऑपरेशन कराएंगे, है ना। आपको पूरा डॉक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो कैसा है, उसके कितने अच्छे रिजल्ट्स है, उसके बाद ही आप ऑपरेशन करने जाओगे। ऑपरेशन के टाइम पे भी डॉक्टर के बोलने का ढंग, डॉक्टर के आपके साथ में चेक करने का ढंग, उसकी जो आपके साथ में कैसे बिहेवियर है उसके भी ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आप उससे ऑपरेशन कराओगे या नहीं कराओगे। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कभी भी ऑपरेशन से पहले आपको डॉक्टर कैसे चेक कर रहा है ACL, कि जो आपके एंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट है, लैकमेन टेस्ट है, पाइवट टेस्ट है, वो अगर पॉजिटिव आ रही है, ग्रेड 3 पॉजिटिव आ रही है और वही चीज़ आपके MRI में भी दिख रही है, कम्प्लीटली दोनों कोरिलेट हो रही है, तो उसके बारे में वो आपकी पूरी जानकारी देगा कि कैसे इसको ठीक करें, कैसे इसको हम और ठीक करें, बेहतर करें, और ऑपरेशन के टाइम पे आपकी क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के टाइम पे और ऑपरेशन के बाद में। तो ये सारी जानकारी वो आपको स्पष्ट देगा, तभी आपको रियलाइज़ होगा कि हम आप संतुष्ट होगे, तभी आप ऑपरेशन की तरफ जा पाओगे। ऑपरेशन के टाइम पे जो ट्रेनिंग का फ़ायदा अब ऑपरेशन के टाइम पे आता है, कि ऑपरेशन के टाइम पे जितने ये हमारा क्या है बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब सर्जन कंटिन्यू एक ही चीज़ करता रहता है तो वो उसके बॉडी का एक पार्ट बन जाता है।
तो हम जब भी ऑपरेशन करते हैं तो हमारे 99% टाइम्स हमारा हमेशा ही जो फोकस होता है जिस पॉइंट पे आपके जो लिगामेंट थी उसी पॉइंट पे अपने को लिगामेंट लगाना है। तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते कि हम हर केस में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि यार ये बेहतर है ये बेहतर है, ये नहीं होता है। जब फैक्ट्री काम करती है तो फैक्ट्री में एक चीज़ जब बनना शुरू हो जाती है तो वो रेगुलरली वही चीज़ वैसी की वैसी बनती है। तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क या क्वालिटी ऑफ चीज़ें। सेम चीज़ हमारी जब ऑपरेशन करते हैं, हम रेगुलरली जब हम ऑपरेशंस करते रहते हैं तो वो एक एज सच हमारा पार्ट ऑफ द रूटीन बन जाता है। तो किसी और के लिए तो ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट सर्जरी हो सकती है, बट हमारे लिए वो रूटीन हो जाती है और वो हमारे लिए बहुत ही इजी सर्जरी हो जाती है। तो उस टाइम पे हमारे लिए वो पॉइंट जो है वो हमारे माइंड में या हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बैठ जाता है कि हमको कहाँ लगाना है, वो हमारा फिक्स हो जाता है। तो रेगुलरली ही इसीलिए हमारे पेशेंट्स के कंसिस्टेंटली गुड रिजल्ट्स आते हैं, ताकि क्योंकि हम वही पॉइंट पे हमारा जो फिक्स्ड फोकस है उसी पॉइंट पे हम रखते हैं, ताकि हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिगामेंट, फाइबर टेप, इंटरनल ब्रेस, बायो स्क्रू, दीज आर ऑल सेकेंडरी, वो सब सेकेंडरी फैक्टर्स है। पहला जो फैक्टर होता है वो सर्जिकल में अपना जो लिगामेंट होता है वो कौन सी जगह पे एग्जैक्टली बैठा था उस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक पॉइंट। तो वो पॉइंट पे अगर हमने एग्जैक्टली वहीं लगा दिया तो ये लिगामेंट लूज नहीं होता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। प्लस आपके जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी, अगर बहुत ज़्यादा आप पाइवटिंग एक्शन करते हो तो एक्स्ट्रा लिगामेंट जैसे लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडोसिस जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था वो हम करेंगे तो उसमें पाइवटिंग एक्शन भी कम हो जाता है या उसके फेलियर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये भी एक्सपीरियंसड इसका। तो आई होप आपको पता चला होगा कि सबसे अच्छा डॉक्टर या सबसे अच्छा एसीएल डॉक्टर चूज करने में ये कितनी सारी चीज़ों की भूमिकाएं आती है। फाइबर टेप, इंटरनल ब्रेस, बायो स्क्रू, कोई भी लगा लो, बट अगर इनमें से कोई भी डॉक्टर में ट्रेनिंग की कमी है या आपके उसमें है तो ये सब करने के बाद भी आपका रिजल्ट खराब आ सकता है। तो रेगुलरली जो आपके लिगामेंट का ऑपरेशन कर रहा है उसी से आप ऑपरेशन कराएं, चाहे हमसे कराएं चाहे किसी और से कराएं, बट न्यू कमर या चीज़ों जो है जिसकी ट्रेनिंग हो रही है या जो ट्रेनिंग में है उससे थोड़ा सा आप ट्राई करें कि देखें समझें और फिर अपना डिसीजन लें। थैंक यू सो मच।